दुनिया की हर वस्तु ठोकर खाकर टूट जाती है, कि भाई दुनिया की हर वस्तु ठोकर खाकर टूट जाती है, सिर्फ कामयाबी ही ऐसी चीज है जो ठोकर खाकर मिलती है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः मैं भैरू सिंह राजपुरोहित आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है दोस्तों, पिछली कक्षा में अपने अध्ययन किया कि इतिहास क्या है, इतिहास में लिखा क्या जाता है, और उससे पिछली कक्षा में हमने अध्ययन किया भाई मानव की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, मानव का धीरे धीरे विकास किस प्रकार हुआ। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इतिहास शब्द किन शब्दों से बनकर मिला है, इतिहास का अर्थ क्या होता है, अर्थात इतिहास कितने भागों में बांटा जाता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों हम चर्चा करेंगे इतिहास। सर्वप्रथम बात करें तो यह इतिहास शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, मुख्यतः यह संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है दोस्तों? संस्कृत भाषा का शब्द है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इतिहास के पिता कौन है, इतिहास के पिता है हेरोडोटस, हेरोडोटस, और इनकी पुस्तक का नाम बताया था मैंने हिस्टोरिका। क्या बताया था? हिस्टोरिका बताया था। ये कहां का मूल निवासी था? ग्रीस देश का। ये है इतिहास, ठीक है। ग्रीस भाषा में इसे कहा जाता है इस्तरी, इस्तरी। इंग्लिश रूपांतर देखें तो इसका कहा जाता है हिस्ट्री। ग्रीस भाषा में इस्तरी, इंग्लिश रूपांतर करने पर हिस्ट्री। तो दोस्तों इतिहास शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है? इतिहास संस्कृत भाषा का शब्द है, हो गया ये। अगर बात करें भाई, ये देखिए इति है और आता है हमारे पास आस, तीन शब्द से मिलकर क्या बना है, हमारा इतिहास बना है। अगर हम बात करें भाई इति और है, दो इति और है, ये दो शब्द है, ये किस भाषा के शब्द है? ये मान लीजिए संस्कृत के अव्यय हैं दोस्तों, संस्कृत के अव्यय। कौन कौन से? एक हो गया इति और एक हो गया हमारा ये है, और क्या बचा? ये आस बच गया, आस। आस आस का क्या अर्थ होता है? आस का मतलब होता है धातु, आस का मतलब होता है धातु। संस्कृत के अव्यय है इति और है। इति का अगर हम अर्थ देखें भाई, इति का क्या अर्थ होता है? इति का हो गया, और है का अर्थ देखेंगे हम, और क्या देखेंगे? आस का अर्थ हम देखेंगे। तो अगर इति की बात करें भाई, इति क्या होता है? इति का मतलब होता है इस प्रकार, क्या होता है दोस्तों? कि इस प्रकार हुआ है। है का मतलब देखें तो वास्तु में, कि हाँ भाई यह बात तो हुई है वास्तु में, या फिर कह सकते हैं निश्चित ही, कि यह बात तो निश्चित ही हुई है, निश्चित ही, निश्चित ही। आस का मतलब देखिए तो इसका संस्कृत भाषा का है, इनका होता है धातु। अगर आस का सर्वोपरि हम अर्थ देखें तो इनका बनता है घटना का, घटित होना, घटना का घटित होना। देखिए इस प्रकार वास्तु में निश्चित ही कोई घटना का घटित होना है, क्या कहलाता है? इतिहास, यानी पुरानी बातें मिलकर इति है और आस। इस प्रकार वास्तु में निश्चय ही कोई घटना का घटित होना संभव, यह क्या है? इतिहास है। अगर हम बात करें भाई इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का अर्थ, तो इतिहास का अर्थ होता है अतीत का सर्वेक्षण करना, अन्वेषण करना या सर्वेक्षण करना। मान लीजिए अतीत का सर्वेक्षण करना, अतीत का अन्वेषण करना, यह सत्य का अन्वेषण करना, अन्वेषण करना, इसे कहा जाता है सत्य का अन्वेषण करना, सत्य का अन्वेषण, अन्वेषण करना। यह बात हो गई भाई इतिहास किन शब्दों से बनकर बना है, इति हो गई, है हो गया, और रास हो गया। अब बात करेंगे हम आगे। अगर हम दोस्तों भाई देखेंगे भाई महाभारत में इतिहास की क्या परिभाषा दी हुई है, ठीक है, तो हम देखते हैं महाभारत में, यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महाभारत में इतिहास की परिभाषा बता रहा हूं मैं, क्या दी गई है महाभारत में इतिहास की परिभाषा है कि महाभारत में इतिहास की क्या परिभाषा दी गई है ऋषियों द्वारा। तो अब देखिए बात करते हैं आगे। अगर महाभारत की बात करें तो इनमें इतिहास की परिभाषा मिलती है कि ऐसा शास्त्र, क्या मिलती है? ऐसा शास्त्र, या बोल सकते हैं ऐसा ग्रंथ, ऐसा शास्त्र
जिसमें क्या, जिसमें धर्म अर्थ का मोक्ष, हमारे हिंदू धर्म में चार पुरुषार्थ है, जिसमें धर्म अर्थ काम और मोक्ष क्या हो गया, ऐसा शास्त्र जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष एक दो तीन चार चार पुरुषार्थ हो गए हमारे, क्या है ये पुरुषार्थ, कि ऐसा शास्त्र जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कथा के आधार पर उनको सम्मिलित रूप से पढ़ा जाए या फिर अध्ययन किया जाना, ये क्या है, इतिहास है। चारों पुरुषार्थों का कथा के आधार पर अध्ययन करना, आधार पर अध्ययन करना, अध्ययन करना ही इतिहास है, इतिहास है। तो दोस्तों हमें महाभारत में इतिहास की इस तरह परिभाषा मिलती है कुछ, कि ऐसा शास्त्र जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों का कथा के आधार पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, हमारा इतिहास कहलाता है। यह बात होगी महाभारत में इतिहास की परिभाषा की। अब हम बात करें आगे हो सकता है कि एनसीईआरटी में क्या परिभाषा है, एनसीईआरटी अगर हम बात करें एनसीईआरटी में क्या परिभाषा है, तो एनसीईआरटी में परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, किसी व्यक्ति समाज या देश देश से क्या संबंधित है महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्रों की घटनाएं, घटनाओं का कालक्रमिक विवरण विवरण इतिहास कहलाता है। यह बात होगी एनसीईआरटी के आधार पर इतिहास कहलाता है। अब अगर हम बात करें भाई ऐसे ही अगर हम इतिहास की परिभाषा दे, हम मानव रूप के आधार पर अगर परिभाषा दे, तो इनकी क्या परिभाषा हो जाती है, अतीत का जो अतीत हमारा बीत चुका है वही क्या है, हमारा इतिहास है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों ले सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे कि भाई इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। इतिहास मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द था, इति प्लस है प्लस आस, इति का होता है इस प्रकार, है का होता है वास्तव में, और आस का होता है घटना का घटित होना। अब हम बात करेंगे इतिहास कितने भागों में बांटा गया इतिहास को, तो आपको सर्वप्रथम क्या करना है, आप ऐसा सोच लीजिए कि इतिहास को विषय नहीं है, इतिहास व्यक्ति का नाम है, एक बार ऐसा सोच लीजिए। ठीक है, और ये तीन हो गए, इनके पुत्र मान सकते हो, बेटे मान सकते हो। ठीक है, अब बात करें हम आगे, इतिहास क्या है, एक पिता है, एक व्यक्ति है, उनके अगर पहले पुत्र की बात करें तो इनका आ जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दो नंबर की बात करें तो आ जाता है अर्ध ऐतिहासिक काल। कुछ नहीं है, सिंपल सी ट्रिक है, तो इतिहास एक पिता है जिनके तीन पुत्र है, प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल, और एक आ जाता है ऐतिहासिक काल। बस आपको इसी ट्रिक के माध्यम से बार बार दोहराना है, अगर आप उनको याद कर सकते हो कि इतिहास एक पिता है, प्राग ऐतिहासिक काल बेटा है, अर्ध ऐतिहासिक काल भी बेटा है, और ऐतिहासिक काल भी बेटा है। ठीक है, अब बात करेंगे हम कहानी के आधार पर, इन समझेगा, देखिए आगे, प्राग ऐतिहासिक काल एक बार मैं रख कर रहा हूं, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। मान लीजिए इतिहास का एक, अगर हम बात करें भाई इनका एक नाम दे देते हैं, मान लीजिए इनको नाम दे देते हैं हम रामू,
राम या रामू, ठीक है। अब मान लीजिए इतिहास है व्यक्ति है, इनके जब पुत्र उत्पन्न होगा राम, तो आप सभी को पता है जब छोटा बच्चा जन्म लेता है क्या उन्हें किसी चीज का ज्ञान होता है, उसे लिखने का ज्ञान होता है या फिर पढ़ने का ज्ञान होता है? नहीं होता है। तो क्या नहीं है? उसे लिखने का ज्ञान नहीं है, लिखना नहीं आता है, ठीक है। राम है, छोटा बच्चा है, लिखना उसे नहीं आता है। अब बात करेंगे आगे। अब भाई जैसे जैसे राम क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, इनके पिताजी क्या करेंगे, इनको कहाँ डालेंगे, विद्यालय में, स्कूल में या आंगनबाड़ी कोई भी हो वहां डालेंगे। तब ये क्या करेगा, इनका राम हो, राम है यहाँ पर, और इनका नाम बदलकर क्या हो जाएगा, रामूडो, जैसे हम राजस्थान भाषा में बोले हैं रामूडो, ठीक है। अब आएगा विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है, वो लिखना तो जान जाता है, लिखना तो जान जाता है लेकिन पढ़ना नहीं जानता। आपने जैसे स्कूल में बच्चों को देखा है, जब टीचर उसे पूछते हैं कि ये काम तुमने किया, सर दो का पाठा सुना या तीन का पाठा सुना, वो क्या कहते हैं, कह गुरु जी लिखना तो आवे पढ़ना को नहीं आवे, गुरु जी लिखना तो आवे पढ़ना को नहीं आवे, सिर्फ आई सिस्टर की मायने है, लिखना तो सीख गयो रामोड़ो और पढ़ना अपने उधर में सीखो को नहीं, ठीक है। अब देखो आगे, अब बात करें नाम, जब लिखना नहीं जाना, स्कूल विद्यालय गया तब लिखना भी जान गया और पढ़ना नहीं जाना। अब आगे बात करेंगे भाई, इनके जब वो विद्यालय से घर आया तब इनके पिताजी ने क्या किया कि चल रामूडा चल ये पत्थर पढ़, तब क्या किया, रामू को सिर्फ लिखना आता है पढ़ना आता नहीं है, तो पत्थर को वो नहीं पढ़ पाया। तब पिताजी ने क्या किया, इनके दो राजस्थानी भाषा में बोले तो दौड़ छेपती, उनके दो कान के नीचे सिरका दी, ठीक है। तब उनके मन में वो होगी, मेरे पिताजी ने मुझे पिटा है, मैं क्या करूंगा, मैं लिखना भी जानूंगा और पढ़ना भी जानूंगा। तो आगे इनका अगर नाम करें रामू राम हो जाता है, रामू सिंह हो जाता है, कुछ भी कहते हैं नाम, आगे जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे हमारे नाम में भी परिवर्तन होते रहेंगे। तो वो क्या जाना, लिखना भी जान गया, ठीक है दोस्तों, और पढ़ना भी जान गया। अब देखिए ये अपने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल, पत्थरों का युग, प्रागैतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल, अर्धऐतिहासिक काल, और तीन नंबर आता है अपना ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। हमें पता है इस युग में न तो कोई विद्यालय थे न कुछ और थे, लिखना भी नहीं जानता, सिर्फ पत्थरों का युग बाबा अपने मान सकते हैं। अब देखिए आगे, रामुड़ो लिखना भी जान, लिखना तो आता था लेकिन पढ़ना नहीं आता था, आज ऐतिहासिक काल के अंदर आता है। अगर हम अपने भारत के इतिहास के संदर्भ में देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है, आर्ध ऐतिहासिक युग की है। कैसे है, उनकी लिपि तो है लेकिन हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, हम उस लिपि को पढ़ नहीं पा रहे, तो उसे लिखने का ज्ञान तो है लेकिन क्या नहीं है, पढ़ने का ज्ञान क्या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी लिपि को पढ़ने का सर्वप्रथम प्रयास प्रिंसेस ने किया था 1837 में, लेकिन वो नहीं पढ़ पाया था। सिंधु घाटी सभ्यता इस युग की मानी जाती है, क्यों, हमने उसे पढ़ा तो नहीं था उनकी लिपि को लेकिन वो लिखता जानते थे। उनकी लिपि ही इस प्रकार की दोस्तों, उनकी लिपि की बात करें तो इस प्रकार मिलती है, हमें इस प्रकार उनकी लिपि मिलती है। अब इनकी क्या है, ये हमें पता लग रहा है कि इनमें कोई चित्र क्या करती हमें दिखाई दे रही है, जैसे त्रिशूल हो गया, बोल सकते हैं कुछ भी हो सकता है, त्रिशूल एक व्यक्ति का निशान उल्टे हुए, जैसे कि योगासन मुद्रा में, इस प्रकार ये क्या है, भावचित्रात्मक लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि। इस कारण यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अर्ध ऐतिहासिक काल में आती है। क्यों आती है, कि भाई इनको लिखने का ज्ञान तो था लेकिन हम क्या नहीं पाई, पढ़ नहीं पाई, ठीक है दोस्तों। अब करेंगे आगे की बात, अब बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल का सर्वप्रथम जो उद्घाटित करने का श्रेय, इनको उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है, उद्घाटित करने का श्रेय, अगर दोस्तों हम इनके उद्घाटित करने का श्रेय की बात करें तो वो आ जाता है अपना प्राइम रोज। तो इन्हें उद्घाटित करने का श्रेय जाता है प्राइम रोज को, कहां, कब, 1842, और कहां किया, कर्नाटक में, एक स्थान है रायचूर में, एक छोटा जैसे कोटली बोल सकते हैं, उनकी लिंग सुगर स्थान है, लिंग सुगर,
वहां पर क्या मिले हैं उसे? पाषाणकालीन औजार मिले हैं। किसने खोज की थी? प्राइम रोज ने। क्या मिले? पाषाणकालीन औजार, पाषाणकालीन औजार मिले हैं। किसको मिले हैं? प्राइम रोज को। और औजार कौन कौन से? एक तो है छुरा, एक क्या मिला है? फलक। छुरा मिला है, फलक मिला है, वो किन चीजों से निर्मित? पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित है। तब प्राइम रोज ने क्या सोचा कि भाई जब यहां पर कर्नाटक रायचूर में खुदाई हुई तो इन्होंने कहा मिले? पाषाणकालीन औजार मिले हैं, और छुरा फलक पत्थरों से, भाई उनके सिर्फ पत्थरों का युग था। तब इन्होंने प्राइम रोज ने उनका इनको जो प्रागैतिहासिक काल का नाम क्या दे दिया? पाषाण काल, यानी पत्थरों का युग, पाषाण काल, पाषाण काल इसे कहते हैं, पत्थरों का युग, पत्थरों का युग। इस पाषाण काल में क्या नहीं था? आग का बिल्कुल भी उपयोग नहीं था दोस्तों, आग का उपयोग नहीं, आग का उपयोग नहीं था उसमें। तो यह बात हो गई प्रागैतिहासिक काल की, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रख कर रहा हूं। अब बात करेंगे हम आगे कि भाई इन्होंने क्या नाम दे दिया? पाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे पाषाण काल कितने प्रकार का होता है। प्राइम रोज ने जब उद्घाटित किया प्रागैतिहासिक काल को तो नया नाम हमारे सामने आता है पाषाण काल। पाषाण काल को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आ जाता अपना पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। एक आ जाता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। एक आ जाता है अपना नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब देखिए आगे क्या होता है। अगर पुरापाषाण काल की बात करें तो जो हमारे आदिमानव थे उनकी उत्पत्ति पुरापाषाण काल में हुई है, ठीक है। आदिमानव की उत्पत्ति मान सकते हैं पुरापाषाण काल में, आदिमानव की उत्पत्ति, ठीक है। अब आपको पता है कि किसी घर में अगर छोटा बच्चा का जन्म होता है, किसी बच्चे का, बच्ची का जन्म होता है तो क्या हुआ है, किस स्थिति में होती है? तो पुरापाषाण काल में भाई आदिमानव की उत्पत्ति हो गई। कि भाई किसी घर में छोटे बच्चे का जन्म होता है तो वो कौन सी स्थिति में होता है? छोटा बच्चा कुछ भी नहीं जानता है, तो वो मान लीजिए आदिमानव की उत्पत्ति हुई है और वह दयनीय स्थिति में, दयनीय, दयनीय, दयनीय स्थिति में है। कौन? आदिमानव। उस समय इसे कहते हैं यायावर स्थिति, यायावर, कुछ भी ज्ञान नहीं है उसे अपने बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए दयनीय स्थिति में है तो अगर इनको भूख लगेगी, मान लीजिए हम तो बच्चे का तो उदाहरण दे रहे हैं, अगर आदिमानव की उत्पत्ति हुई है, दयनीय स्थिति में है, यायावर स्थिति है, अगर उनको भूख लगी तो यह क्या करेगा भाई? सिंपल सी बात है, आदिमानव क्या करता था? शिकार, ठीक है दोस्तों। शिकार करेगा तो भाई शिकार करने के लिए किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है? हमें नहीं, इस आदिमानव की बात कर रहा हूं मैं। शिकार करने के लिए इनको जरूरत पड़ेगी औजारों की, औजारों की। तो अगर इनके औजार के हमेशा से कहां से मिले हैं? इनका अगर पहले औजार की बात करें तो इनका पहला औजार था हस्तकुठार, हस्तकुठार। इनके साथ से किसने खोजे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कहां से? मद्रास, पलवरम में, पलवरम से, पलवरम कहां है? मद्रास, चेन्नई, पलवरम से साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले। किसने खोजे थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। कहां, कब खोजे थे? 1863 ईस्वी में। हस्तकुठार के साक्ष्य मिले। भाई हस्तकुठार किस प्रकार का होता है तो मैं बता रहा हूं आपको। उनकी बुद्धि का विकास तो हुआ नहीं था, इस प्रकार के औजार होते थे, किसी प्रकार के औजार, यानी जब पत्थरों से वो, मान लीजिए आगे किसी शिकार करने किसी जानवर को वो दौड़ रहे हैं, उनके हाथ में कुछ भी लग गया तो उनको वो क्या बना लेते थे? अपना हथियार बना लेते थे दोस्तों। इस प्रकार हस्तकुठार है। अब बात करेंगे शिकार कर लिया, औजार भी बना दिया हस्तकुठार, इनमें क्या नहीं था भाई? आग का उपयोग नहीं था इसमें भी, आग का उपयोग नहीं, उपयोग नहीं।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट मेरे हिसाब से ले लिया होगा। अब बात करेंगे आगे मध्य पाषाण काल की। पुरापाषाण में क्या, तो दोस्तों जब आदि मानव थे वो अकेले अकेले रहते थे, किसी के साथ नहीं रहते थे। मध्य पाषाण में काल में क्या हुआ, समूह में रहने लगे। अब आपको पता है कि जब छोटा बच्चा कोई उसे, अगर मान लीजिए कोई भी उनका रिश्तेदार हो, अगर वो कहेगा कि मेरे पास आजा, वो नहीं आएगा। लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होगा और उसे चॉकलेट दिखाई जाएगी, किसी भी यानी डेयरी मिल्क होगी, तो वो सबसे दौड़ के आएगा। इस प्रकार वो समूह में रहने लगा मध्य पाषाण काल में, और क्या करने लगा, पशुपालन करने लगा। अब आपको सिंपल सी बात है, जब पशुपालन करने लगा, वो दूध पिएगा, दही पिएगा, छाछ पिएगा, तब उनकी क्या होगा, मानसिक शक्ति का क्या होगा, धीरे धीरे विकास होगा। तो भाई आगे उनके क्या क्या, श्वान को पालतू बनाया, श्वान क्या होता है, श्वान किस कहते हैं, कुत्ते को पालतू बनाया। ठीक है, अब बात करेंगे भाई इनके औजारों का। मध्य पाषाण काल में आते आते इनके जो औजार थे, हस्त कुठार था, पुरापाषाण काल में औजारों का आकार क्या हो गया, औजारों का आकार छोटा होना। सिंपल सी बात है, इनकी भाई मानसिक शक्ति का धीरे धीरे विकास हो रहा है। किस प्रक्रिया से, यानी उसने पशुपालन करना सीखा है। ठीक है, औजारों का आकार क्या हो गया, छोटा हो गया। अब आपको पता है छोटे औजारों को क्या कहा जाता है, छोटे चीज को कहा जाता है सूक्ष्म, तो इसे कहा जाता है सूक्ष्मकालीन औजार। इसे कहा जाता है मैग्रोलिथ। क्या कहा जाता है दोस्तों, मैग्रोलिथ। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। धन्यवाद। यह हो गई बात मध्य पाषाण काल की, हमने बात कर लिया पुरापाषाण काल की, हमने बात कर लिया मध्य पाषाण काल की। अब हम बात करेंगे अपना नवपाषाण काल की, कि भाई नवपाषाण काल से में क्या हुआ। अगर हम नवपाषाण काल की बात करें तो आपको पता है इधर पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में आर का उपयोग तो मध्य पाषाण काल में हो गया था, नहीं आर की खोज तो मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन क्या नहीं था, उपयोग नहीं था। तो इसमें क्या किया, आर का पूर्ण रूप से उपयोग, आर का उपयोग मान सकते हैं। धीरे धीरे विकास होगा, तो मध्य पाषाण काल में तो सिर्फ क्या किया है, पशुपालन ही किया, लेकिन इसमें क्या करने लग गया, वो कृषि करने लग गया, कृषि करना सीखा, कृषि करना भी सीख लिया, अनेक औजार भी बनाएगा वो। अरे अगर तीन नंबर की बात करें तो उनमें क्या आ जाएगा, स्थायी बसावट, भाई एक स्थान से टिक कर रहने लगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इन चीजों का, ले सकते हो। हाँ, इसमें एक चीज और है दोस्तों, वो मृत भांड, यानी मान सकते हो घर में जो बर्तन उपयोग होते हैं आजकल, वो भी बर्तन बनाने लग गया, बर्तन। तो इस प्रक्रिया से हमारा पाषाण काल जो ऐतिहासिक है वो पूरा हो गया है। अब हम आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में, सिंधु घाटी सभ्यता, और इनका आप स्क्रीनशॉट लेना भी चाहते हो ले सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।